राम राम जी आपने सारे ने। मेरा नाम है जुगनू छिल्लर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस कपास बोने वाली मशीन के बारे में। यह हमारे गांव में एक जमींदार किसान भाई के पास है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पे जो आप ये देख पा रहे हैं, ये तीन जो साँचे से ये बीज डालने के लिए होते हैं। कपास का बीज जो है बहुत कम क्वान्टिटी में बुता है। इस मशीन में तीन आड़ होते हैं तो तीनों का अलग अलग ये सांचा दे दिया है। ये फील्ड मार्शल कंपनी की है, जैसे कि आप इस पे बैजिंग देख रहे हैं, और इसकी जो है क्वालिटी वो बहुत ही सॉलिड है। इस मशीन में खाद और बीज की दोनों आगे अलग अलग खोर दे रखी है। जो आगे वाली है वो खाद खातर है, पीछे वाली है वो बीज के लिए है। इस मशीन की क्वालिटी बहुत ठाडी है भाई। आप कहीं तक भी देखोगे ना, सारे जो पार्ट हैं वो बड़े सॉलिड ला रखे हैं। ओढ़ना की बात करा ना तो वह भी बहुत सॉलिड है। हाथे दबावेंगे ना तो वो दब्बे भी नहीं गए, इतने मजबूत इसमें ओढ़ने दे रखे हैं। एक बार मैं मशीन में हम 2-1 किलो बीज डाल सका। हाँ, ज़्यादा डालेंगे तो वो बाहर निकला होगा, और ज़्यादा डालना नहीं चाहिए, उसका नुकसान होया करे। क्योंकि जो इसमें खाँचे हैं ना, उसमें दो दो बीज फंस के जाएंगे, फिर उसका हमारा ही नुकसान है बीज का। वैसे तो भाई बाड़ी के 50 डाल के बीज आवे हैं। करीब अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है तो हमने US 91 नंबर बोई है। यो एक 75 बीज बताया गया है। पिछली बार हमने 8776 बो रखी थी, बहुत अगेती बो दी थी। वो मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी निकल गई थी, तो इस बार हमने यो US 91 बोया है। यो देखो किसा को होगा। खाद और बीज गाल के मशीन रेडी कर ली है। इसमें हमने आधा कट्टा खाद का गाला है। पूरा गालना चाहें तो पूरा भी आ जाएगा इसमें आराम से। उसमें थोड़ी दिक्कत आओगी, लिफ्टा ने कंट्रोल करती आनी, लागू सेवा की दिक्कत आओगी। ये कंपनी ने अपने नंबर दे रखे हैं, कोई जानकारी लेना चाहो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सको हो। इस माह के खाद लगड़ा करें, और दूसरा जो साचा है ये वाला, इस माह के निकलेगा बीज। अगर आपका बीज का साइज छोटा है तो एक साथ दो बीज भी निकले होंगे, इससे बीज का भी नुकसान है और दो पेड़ एक साथ जमेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। कभी एक बीज निकल रहा है एक साथ, कभी दो। बीज का साइज ठीक ठाक होगा तो इस माह के एक के बीज निकलेगा एक बार में। वीडियो में आप साफ साफ देख रहे होगे भाई। इस मशीन की हमने एक खास बात लगी भाई, वह बात की है कि यह है ना, गुद्दा में बीज ने गेरा है, मतलब मिट्टी में गेरा है। जितने नीचे जो हल्का निचला सिरा होया करे वहाँ पर नहीं गिरती, उस तो ऊपर जो मिट्टी आ जाए उस मिट्टी में गिरा है। कपास हमने 2 से 2.5 इंच एक नीचे ज़मीन में बोनी चाहिए। अगर अपनी आंगड़ियाँ ने नापा तो 3 आंगड़ हो जाए, इतने के नीचे हम बीज बो जाए तो बिल्कुल फिट रहे है। फिर भी लागू सेवा की कोई दिक्कत रहे तो हमारे ट्रैक्टर में ऑप्शन हुए हैं, हम उन तो अपने इंप्लीमेंट ने एडजस्ट कर सका। हाँ, लागू सेवा जो भी आप करना चाहवा। कपास के एक फुट से दूसरे फुट की चौड़ाई हो 3-3.5 फीट। वैसे तो इसका अंदाजा हो नहीं गा हमने, अगर फाटी के सारे फाटी लागती जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो इसके अंदाजे खातर कंपनी ने कि वो छोटा साल फिट कर रखा है। इस तरह बो रहे होंगे हम, उससे दूसरी साइड चाली जाओगा जित, हमने दूसरी फाट लेनी है। तो जित कोई हल चल लगा ट्रैक्टर का अगला टायर उसको ऊपर क्या कर देंगे तो बिल्कुल फिट हिसाब आ जाएगा उससे चौड़ाई का। खाद और बीज के जो हल हैं उन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो बिल्कुल आमने सामने को नहीं, 2-1 इंच आगे पीछे हैं वो। तो यो भी एक अच्छी बात है, कंपनी ने यो सिस्टम दे रखा है। इस मशीन में 2 चकली होया करें, एक चकली तो फ्री स्टाइल में घूमेगी और दूसरी चकली का वो होया करें चैन सिस्टम। जो चैन सिस्टम पूरी मशीन ने घुमाया करें, खाद वाली ने भी और बीज वाली ने भी। इससे का भी इस पर खातर बीज दोनों पड़ेंगे। यह मशीन हमारे पड़ोसी किसान प्रदीप छिल्लर दौरे है। इसने यह मशीन यूज करते हुए 2 साल हो गए। यह चरखी दादरी तक खरीदी गई थी 37,000 रुपये की, और अब तक यह मशीन बिल्कुल फिट चल रही है, ना इसमें कोई कमी आई। हमारे द्वारा दी हुई यह जानकारी किसी लगी आपने प्लीज कमेंट करके हमने जरूर बताइयो। मेरी वीडियो देखने ते धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।